इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में भारत के ओपनिंग बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगाया है। बता दें कि इस 4 दिवसीय टेस्ट मैच के दूसरे दिन पृथ्वी शॉ ने इंडिया ए के लिए शतक जमाया तो मयंक अग्रवाल ने दोहरा शतक लगा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंडिया ए को दमदार शुरुआत दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ए ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने दमदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ए के 5 विकेट लिए और प्रोटियाज की पहली पारी 246 रन पर सिमट गई। इसके बाद जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ दोनों ने शतक जमा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 233 रन की साझेदारी हुई। पृथ्वी शॉ 136 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए दोहरा शतक लगा दिया। मयंक 226 गेंदों में 202 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोहरा शतक जमाने के लिए मयंक ने 28 चौके और 4 छक्के भी लगाए। इससे पहले पृथ्वी शॉ 196 गेंदों में 136 रन बनाकर डेन पीट की गेंद पर बोल्ड हो गए। बता दें कि पृथ्वी शॉ ने 20 चौके और 1 छक्का भी लगाया। बता दें कि एक बार कोहली भी इस खिलाड़ी की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि इंडिया ए की टीम हाल ही में इंग्लैंड का दौरा कर अभी लौटी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण चौबे की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।